अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा अबअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि पसंद कीता है। मुअज़्ज़ज़ समीईन हज़रात, मैनू पंजाबी का आर्डर है कि उर्दू का पंजाबी दस के रखा। दीन दा मान है कानून, इस्लाम दा मान है सलामती वाला। अल्लाह ने अपने बंदियां वास्ते जैसे कवानीन पसंद फरमाए बनाए क़यामत तक वास्ते। कुरान और हदीसे मुबारका दी सूरत अंदर अपने महबूब नबी ते नाजिल फरमाए। दीन हो गया है मुकम्मल। दीन के अंदर किसी अदाफे की गुंजाइश नहीं। दीन अंदर जो अदाफा करेगा अपना भी नुकसान करेगा, दीन का भी नुकसान करेगा। दीन का नुकसान की करेगा? तबरानी कबीर की रवायत है, नबी रहमत अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी फरमाया, ममशा इला साहिबे बिदअतिन लियुवक्किरहु फकद आन अला खदमिल इस्लाम। यदि इको कटा के आवाज बताओ, आवाज थले भी इको होते हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, फरमाया जिहड़ा किसी बित्ती बंदे को जांदा है, ओदी ताज़ीम करदा है, ओदी तौकीर करदा है, हौसला फजाई करदा है। फरमाया उस बंदे ने दीन नू किरान अंदर उस बिदती दी पूरी पूरी मदद कीती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान तो पता चल गया कि जेड़ा बिती बंदा दीन दे अंदर अदाफे करने वाला, ओ बंदा दीन नू गिरांदा है, दीन नू गिरांदा है, दीन नू ढांदा है। तुहाडे इस्लामाबाद माशाअल्लाह तकरीबन हर बंदे कोल मोटरसाइकिल बाइक जरूरी जरूर होवे। मोटरसाइकिल के इंजन अंदर असीं जरा सैमंटी सामने रखिए, उहदे इंजन अंदर 1.5 लीटर मुबलायल पैंदा है। मेरा दिल चाया मुबलायल थिंदा बड़ा है, इंजन नूं बड़ा तर रखदा है, ते मैं जरा 1.5 लीटर की बजाय इहदे अंदर 1.25 लीटर पाना। जिहड़ा इंजीनियर है, मकैनिक कह लगा हजरत नहीं यह गल तुहाडी दुरुस्त है, थिंदा बड़ा है, लेकिन जिन्ना कंपनी ने तुहानू दस्या ओना ही पाओ, अदाफी पाओगे इहदियां सीना पाड़ जाणगियां। मैं क्या है कमला आदमी, जिथे 1.5 लीटर पैण दे है थिंदा ओ सवा पा, तू मेरी गल मान, फायदा दे। हुण जितनी ओदी हादसी मैं कर दिता ओनू उबर, नतीजा की निकलिया, दिन भी पूरा नहीं गुजरिया उन्हें सीला पाड़ दितियां। बित्ती बंदा दीन दियां सीला पाड़ दे। जेड़ा मेरी तुहाडी बाइक दी सील पाड़े बिना वजह, मैनू तुहानू अच्छा नहीं लगता, ते जड़ा अल्लाह दे दीन दियां सीलां पाड़े, अल्लाह दे दीन नू ढाए और ढांदा कौन? आइए हुन सुनन इब्ने माजा बल चले ओदी ज़ियारत कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, फरमाया अन करीब ऐसे लोग ही पैदा होंगे युतफ़ऊन सुन्नता व यामलून बिल बिदअ। नबी पाक फरमाते ने ऐसे लोग ही आएंगे जेड़े सुन्नता नो मिटानगे ते बिदअतां ते अमल करनगे। बिदती आदमी सुन्नत नो मिटांदा है। हदीस ते कई मरतबा पढ़ी पर गल तय तक ना पहुंचे। 3-4 साल की बात मैनू कॉल आई, सलाम तो बाद कहने लगा हजरत मैं उकाड़े तो बोल रहा। मैं कहा फरमाइए। मैं एक हमाम दे सामने खड़ा, ऐते लिखे है जश्न ईद मिलादुन नबी दी खुशी अंदर दाड़ियां फ्री मुनिया जान। मैं कहा आज हदीस की समझ आई है युतफ़ऊन सुन्नत व यअमलून बिल बिदअ। सुन्नतां नू मिटान के ते बिदतां नू वधान के उहदे ते अमल करनगे। बिदतां हज़रात उन बात ना तवज्जो फरमांदे ना। आज बीती बंदा अल्लाह दे दीन नो घेरांदा है, अल्लाह दे दीन नो टांदा है। जेड़ा मेरे ते तुहाडे मकान नो घेराए असी ओदा नाम भी सुनना पसंद नहीं करदे ते जेड़ा अल्लाह ते ओदे पैगंबर दे दीन नो घेराए ओ बंदा फिर अल्लाह नु कैसे पसंद आएगा। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। फरमाया अमल कर करके थके होंगे लेकिन जाणगे जहन्नम दे अंदर, क्योंकि इन अमलों ते सुन्नत दी मोहर नहीं है। ये अमल दीन दे अंदर अदाफा होंगे, बिदात होंगियां। हज़रात बिती बंदा केड़ा है जेड़ा दीन नु घेरांदा है। बिती बंदा केड़ा है जेड़ा बितां कर करके जहन्नम दा बालन बनदा है। हज़रात बिदत तो बचिया जे, बिदत तो बचिया जे। हुण मैं तुहाडे सामने पहचान रखां बिदत की चीज है। मेरे ते तुहाडे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तर्जमा बेहतर हर बेहतर थी बेहतर, बेहतर हर बेहतर थी बेहतर राह मोहम्मद वाला। मंदा हर मंदे थी मंदा बिदअत वाला चाला। बिदअत ओ जो बाद नबी दे नवी बनावट आई। हर कम नमा है बिदअत, हर बिदअत गुमराही। जिसने बिदअत दा कम फड़िया विच गुमराही वड़िया, विच गुमराही जो भी वड़िया दोज़ख अंदर सड़िया। सुनन निसाई सही मुस्लिम दी मिला के बारत पड़ी। मेरे पैगंबर फरमाते ने सारिया कलामा तो बेहतर कलाम अल्लाह दी है, सारिया तरीकियां तो बेहतर तरीका मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दा तरीका है। फरमाया शर्रुल उमूर मुहदसातुहा। दीन दे अंदर जो नवे काम ने ए शर ने, शर शर साड़ी जबान अंदर लफ्ज इस्तेमाल होता है शर शरारती। और शर ना फैला, शरारत ना कर। शरारत ते शर इहदा मकसद की होंदा है? लोकां वे लड़ाई झगड़े। मैं नहीं कहता, नबी पाक ने फरमाया शर्रुल उमूर मुहदसातुहा। फरमाया दीन दे अंदर नवे कम जो ने शर शरारत ने। हजरात अज मुल्क दी अंदर अमन कायम करने वास्ते हर हकूमत कोई ना कोई नवा इदारा कायम कर दी है, नवी कोई ना कोई फोर्स लैके आती है। आओ मैं तुहानू नुस्खा हदीसे पाक जो दसा, मुल्क दे अंदर जितना कानून अल्लाह ने नाज़िल कीता है इस कानून नू नाफज कर दिता जाए। हजरात कानून नू नाफज कर दिता जाए और दीन दे अंदर जितने नवे काम ने इन्हां नू खत्म कर दिता जाए। अगर मुल्क अमन का गहवारा ना बने ते नवाज चीमे नू फांसी दे दिया जे तैयार। किवें ना अमन कायम होवे? पैगंबर कह रहे ने लड़ाइयां झगड़ियां दा मुट बिदअत, शरारत बिदअत, शर बिदअत। दीन दे अंदर नवा कम शर्रुल उमूर मुहदसातुहा। मैं तो तालिब इल्म जय्यत उलमाए किराम दी जमात मौजूद। अल्लाहु अकबर। फरमाया लोगों शर्रुल उमूर मुहदसातुहा। दीन दे अंदर जो नवा काम है और सारे मुल्क दे अंदर मजहबी लड़ाइयां जिथे भी तुहानू नजर आउणगियां, अक्सर लड़ाइयां बिदां तो लड़ाइयां होणगियां। जदों दीन दे अंदर नवे काम कीते जांदे ने ते जिहड़े दीन दे मुहाफिज ने उहनां दी निशानदेही करदे ने, फिर लड़ाइयां ते झगड़ियां ते बिदां करन वाले उतर आंदे ने। फरमाया शर्रुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ। हर दीन अंदर नवा काम, दीन अंदर हर नवा काम बिदअत है। वकुल्ला बिदअतिन ज़लाला, ते हर बिदअत गुमराही है। वकुल्ला ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही दा ठिकाना जहन्नम। हज़रात उन बातें गौर करे आजे जिस वेले असी लोकां नू नबी पाक दियां हदीसां पेश करने आ, कुरान पेश करने आ, लोगां दी ज़हन साजी करने आ कि लोगो बिदअत तो बचो। बिदअत बड़ी खतरनाक चीज़ है, बंदे दे अमलां नू बर्बाद कर देंदी है, मुल्क दा अमन खराब कर दी है, लोकां दे दीन नू लुट लैंदी है। फिर मिसगाइड करन वाले इस तरह मिसगाइड करदे ने, कहंदे ने वेखो जी इह किवें कहंदे ने दीन वे नवां कम करना जायज़ नहीं, जबकि सही मुस्लिम दी हदीस है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मन सम्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना। जिहड़ा बंदा इस्लाम दे अंदर कोई तरीका जारी करदा है ते ओहदे ते जितने लोकी अमल करनगे उन्हां दा सवाब घटेगा नहीं। उस तरीका जारी करन वाले नूं उन्हां सारियां दे बराबर अजर मिलदा रहेगा। देखो जी नबी पाक ने फरमा दिता है कि दीन दे अंदर इस्लाम दे अंदर जेड़ा को तरीका जारी करदा है उन्हों सवाब मिलेगा। लो जी ये किवें कहंदे ने बिदअत ते नबी पाक ने फरमा दिता है। लो जी हुण बात देवे असी नबी पाक दी विलादत दी खुशी मनाने आ, इह तरीका जारी कीता अजर मिलेगा। असी फलाना काम करने आ, कुल्लां दा खत्म दिलाने आ, मुर्दे दी बख्शश दे ते दसवेदा दिलाने आ, असा तरीका जारी कीता हदीस दे मुताबिक। सुनिए मेरे भराओ ए मिसगाइड बड़े अजीब तरीके ना कीता जा रहा है। हुण हदीस बिल्कुल सही मुस्लिम दी रवायत सही है। फरमाया मन सम्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना। जिनने इस्लाम दे अंदर कोई अच्छा तरीका जारी कीता। हुण अच्छा तरीका किदा है? मेरा तरीका अच्छा है? नहीं। मेरे किसी खतीब का तरीका अच्छा है? नहीं। किसी मुफ्ती का तरीका अच्छा है? नहीं। किसी अलामा का तरीका अच्छा नहीं, किदा तरीका अच्छा है। खैरल हदीए हदीयो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सरकार ने नबी पाक ने फरमाया वो मान। सारे तरीकियां चो बेहतर ते अच्छा तरीका जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे पैगंबर का तरीका सारिया तो बेहतर तरीका है। इस हदीस का मतलब है नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक कोई किसी इलाके विच रह गया हो मसलन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 रात नमाज तरावी की जमात कराई। क़ियाम रमजान क़ियामुल लैल 3 रात जमात कराई ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैनू खतरा है नमाज तुहाडे ते किदे जमात फर्ज ना कर दीती जाए। हजरत ने फर्जियत दे डर तो एदी जमात छोड़ दीती, नमाज नहीं छोड़ी, नमाज जारी रही, जमात छोड़ी, नमाज जारी रही, नमाज नहीं छोड़ी, जमात सिर्फ छोड़ी। और ये भी नहीं किया कि कोई होर भी जमात ना कराए, मना भी नहीं की, खुद छोड़ी। ये नहीं कि हुणे भी जमात ही खत्म हो गई। फर्जियत के डर तो सही बड़े हिब्बान चाहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवाना हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु सोने महबूब पैगंबर की खिदमत पाक दे विच हाज़र होए। हजरत जी मेरे नाल एक रात बड़ा रमजान दी एक रात मेरे नाल बड़ा जी मामला पेश आया। फरमाया कि मामला आया हजरत जी मेरे खानदान दियां औरतां जमा होइयां मैनू कहदियां ने उबई तेनू कुरान बड़ा याद है ते सानू तरावियां दी जमात करा। हजरत जी मैं उन्हां नू 8 रकातां ते वितर अलैदा पढ़ाए, 8 रकातां तरावी वितर अलैदा पढ़ाए ते जे जमात मना सी ते नबी पाक फरमा देंदे मैं छड़ दिती है, तू कौन कराण वाला? क्योंकि हर गलत कम तो पैगंबर खामोश नहीं रहिंदे, रोक देंदे ते जिथे को मुसलमान गल करे कम करे पैगंबर सुन के खामोश ने। तकरीरी हदीस है जमात मना नहीं, जिमें अजकल कई फितना बास के मसले उठा लेते हैं जी नबी पाक ने नहीं छड़ दी, उन्होंने कराई, तुसी क्यों कराते हो? अल्लाह अकबर। हजरात उन बात गौर करया जे मेरे पैगंबर दी सुन्नत पाके नमाज़े तरावी दी जमात के आमे रमज़ान दी जमात हजरत ने फर्जियत दे डर तो छोड़ दीती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दा दौरे खिलाफत आया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने 2 इमाम मुकर कीते ने, इन्हां नू हुक्म दे दिता है हमारा उमर बिनुल खत्ताब रशी अल्लाहु ताला अन्हु उबई बिन काब व तमीम अद-दारिया अयकुमा लिन्नास 11 रकअह। जनाबे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इन्होंने क्या कि नबी पाक दे ज़माने विच वही दा आगा नज़ूल हुंदा सी, उस वेले खतरा सी फर्जियत ना हो जाए। हम ते वही दा सिलसिला मुनकते हो गया है, हम इतना खतरा नहीं फर्जी, हम खतरा नहीं फर्जियत दा रह गया। इस वास्ते मैं 2 इमाम कर दिते ने, इन्हों आर्डर दे दिता है कि लोगों 11 रकातां पढ़ा। हम हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस हदीस से अमल किया मन सम्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना। हजरत उमर ने नबी पाक दी छोड़िया होया तरीका एदा इजरा कीता, इन जारी कीता। जदों जारी कीता हुन क़यामत तक जितने लोग जमात ना तरावियां पढ़नगे उन्हां दा सवाब घटेगा नहीं, इन्हां दे बराबर सवाब अल्लाह उमर बिन खत्ताब दे अकाउंट में जमा करता जाए। ए हदीस दा मफहूम, लेकिन जिहड़ा इहदा मफहूम यह लिया जांदा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि दीन अंदर कोई नवा तरीका इत्थे कित्थे लफ्ज़ आया है। सुन्नतन जदीदतन अपने कोलों ही लफ्ज़ बना ले। अल्लाहु अकबर। हज़रातुन बातरा तवज्जो फरमांदे जाया जे मिसगाइड करने वाले बड़े मिसगाइड करते हैं। मेरे दोस्तों ते वीरां ये मसला बड़ा नाजुक है। इत्थे बड़ी बड़ी मिसगाइड कीता जांदा, कईयां नूं फिसला दिता जांदा, फिर किते कह दिता जांदा। देखो जी सानूं कहंदे ने दीन वे नवे कम करदे हो, आप भी ते दीन वे नवे कम करदे ने। नबी पाक ने लाउड स्पीकर अंदर खिताब नहीं कीते, ये लाउड स्पीकर अंदर तकरीरां करदे ने, ये भी नवा काम है। अगले दिन एक मैं क्लिप सुन रहा फेसबुक तो, मुफ्ती वकार ज़का, मैं मुफ्ती तंजन कह रहा, वकार ज़का जिन्होंने शायद लफ्ज़ दीन के माने का ना पता होते मुफ्ती बन के फतवे देन दिया। सारे इतराज़ात तो करन दिया। लो जी नबी पाक ने स्पीकर वे तकरीरां नहीं कीतियां, ये स्पीकर वे करते ने, यह भी नवा काम है। नबी पाक कारां बसां ते नहीं बैठे पैंदे ने, यह भी ते नवा काम है। नबी पाक दे ज़माने च मस्जिद दा महराब नहीं सी, इन्हां महराब बनाया, यह भी ते नवा काम है। नबी पाक ने मस्जिद दा मीनार नहीं बनाया, इन्हां मीनार बनाया, यह भी ते नवा काम है। इस तरह दियां गल्लां करके ते लोकां नूं सिद्धी राह तों हटाया जांदा है। प्यारिओ आ स्पीकर जिहड़ा ना स्पीकर एक ही है तुहाडे जो कई अहबाब जिमीदारे नूं समझदे ने। जिमीदार जदों को फसल बीजदा ना, एक फसल ओ वे जिहड़ा उहने बीज आप बोया, खुद खुद बीज बोया। हज़रात उन बातें गौर कर देना आजे, जिस वेले ओ बीज दियां गूरियां बाहर आईयां ने ते फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है। एक ने फसल आप बीजी है ते कुछ ओदे अंदर बाद वे बूटियां अपने आप उग आईया, बूटियां उग आईया। जिमीदार बड़ा परेशान होया, मजदूर बंदे ले आंदे, रंबे लै लो, कईयां लै लो, कोई आला लै लो, ए मेरी फसल दे विचों ना सारियां जिन्नियां नवियां बूटियां उगियां ने ना, नवियां बूटियां, और ये बूटियां जिहड़ियां नवियां उगदियां ने ना बाद विच एडियां ढीठ बूटियां हुंदियां ने, एडियां ढीठ कि जिमीदार पहलू बथेरा हाल चलांदा है, बड़े जनाब तवे भी चलांदा है, किते बूटियां रगड़ियां जाण ना, उगण ढीठ ही बड़ियां ने, और एडियां ढीठ ने बाद में उग के असल फसल तो सिर फिर कट जांदियां ने। बातों स्पीड ही बड़ी हुंदी है ना दी, आड़ियां बाद उगदियां ने दीन विच बाद। लाहौर दे फैक्ट्री दे बाबे बाऊ दी अम्मी फौत हो गई, सारे वर्कर आए, किते नजर ना चढ़िया, और तू मेरी अम्मी दे जनाजे च नहीं आया। बाऊ जी आया सा, फलानी निशानी, झूठ बोलना तू आया ही नहीं। उन्हें कहा चलो जी अगों सही। कुछ वक्त बाद बाप फौत हो गया, वर्कर बड़ा चलाक सी, इन्हें कि अज भी बहू कहना तू नजर नहीं है। इन्हें जो जनाजा चुकन कलमा शहादत, दूजे वर्कर कहने लगे भी आ गल ठीक ही है, दिल करे कल सानू बहू आखे तुसी भी नजर नहीं। उन्हें कहा कलमा शहादत, बहू जी मेरी हाजरी भी लवा लो। आज जिन्हें कलमा शहादत ने सब हाजरी लवाण आए होंगे, रज़ा इलाही नहीं, सिर्फ हाजरी। सारे पता लगे मैं भी आया। जे दीन की गल हो तो नबी पाक ने मना किया, ला तुतबाउल जनाज़ा तो बिसौतिन वला नार, जनाजे ना उच्ची आवाज ना कढ़ी जाए, हाजरियां लवाण आउंदे ने। लो जनाब ये बूटी जिहड़ी बाह चुकी है दीन च, इन्नी स्पीड तेज इन्नी शायद कराकरम दी ना होए, ओ कराची तक पहुंच गए, खैबर तक पहुंच गए। ये बाद वाली बूटियां जड़ियां उगदियां ना बड़ियां ढीठ असल फसल तो भी सिरतां कट जांदियां। अल्लाहु अकबर। जिमीदार ने मजदूरां नूं लाया ए जिन्नियां बूटियां ने डीला है नड़ूए घाह है। अल्लाहु अकबर। मुंजी में चुगन वाली कोई है और तुहाडे चो बला जाने कईयां दी कोई की है। चलो सुन दे जाओ बारे घाह बूट वगैरह। अल्लाहु अकबर। ये हुण मजदूर आए ने फसल दे विचों इन्हां जड़ां तो पुट पुट के बाहर लई आउंदे ने। फसल हो गई साफ। जिहड़ा बाहर है ना उस एकड़ दी हदूद बंदी असी जिमीदार लोगों को कहने वट बनना। वट बनना एक एकड़ तो दूजी एकड़ दी हद रुकावट विच वट बनना। हुण वट बनने ते भी ओही नड़ू हो गया है ओही घाह हो गया है ओही ढीला हो गया है। हुण मजदूर पे उन्हां लगे हुण इहनूं भी पुटन ते जिमीदार दा ध्यान पै गया कहंदा की कर लगे हो ऐ तुसीं आप ही देखिया घाह वड्डदे हो ढीला कड्डदे हो असीं इह पुटन। कहंदा नहीं मैं तुहानूं किहा सी मेरी फसल दे विचों पुटो। जदों फसल दे विच नवीआं बूटियां उगण गियां फसल नूं देण गियां नुकसान। जदों वट बनने ते उगण गियां फिर देण गियां फायदा। वड्डियां होण गियां पट्ठे बनणगे माल दा चारा बनेगा। इहनूं कट के इहनूं कप के अपने जानवरां अगे पावांगे उहनां दी खुराक बनेगी। दीन दे विच जदों कोई नवां कम होवे ओह दीन नूं देंदा नुकसान। स्पीकर दीन दे विच नहीं ये बाहर वट बनने ते उगया है ये देंदा है फायदा। पता नहीं तुहानूं समझ आई है। स्पीकर दीन दे विच नवां हजरा किथे लिखिया सही मुस्लिम दी हदीस। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते ने फरमाया मन अहदस फी अमरना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द। फरमाया जेड़ा साडे दीन दे अंदर को ऐसा नवा तरीका ऐसा नवा काम ऐसा नवा काम जेड़ा दीन विच पहला साबित नहीं ते दीन पहला की है जिथों चलिया वह पहले कुरान ते हदीस। फरमाया को ऐसा कम दे ऐसा तरीका जेड़ा दीन दे अंदर पहला साबित नहीं कोई नवा कम करदा है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मरदूद रद्दिया होया कबूल नहीं। हजरात आज बिदअत दी पहचान बिदअत ते जे को कहिए ना आ कम बिदअत मौलवी साहब मना विखाओ मौलवी साहब मना विखाओ। ओ भाइयो उसूल दीन दा एक है इबादत एक है मुआमला। इबादत दी वारी आवे दीन दा उसूल। इबादत दी असल है हुरमत। तमाम इबादत हराम ने सिर्फ वो इबादत जायज जड़ी अल्लाह ते ओदे पैगंबर तो साबित होए। जिथे इबादत दी बात आवे उथे मना दी दलील मंगनी जहालत है उथे सबूत दी दलील मंगनी। मगरब दे तीन फर्ज ने तीन रकातां मैं चार पढ़ा मैं कहां मना विखाओ ये मेरा सवाल ही जहालत ते मबड़ी। इबादत अंदर मना दी दलील नहीं होंदी सबूत दी दलील साबित करो शरीयत चो। मुआमलात दी वारी आवे क्योंकि उन्हां दी असल है इबादत। तमाम मामले जायज सिर्फ वो हराम जिदे तो शरीयत रोके उथे मना दी दलील मंगी दी कि मना बहा दो शरीयत चो मैं मामला छड़ दे। हजरात उन बात रा तवज्जो फरमांदे ना आजे मेरे दोस्तां ते वीरा मैं अर्ज कर रहा फिर इतना कीता जांदा है। देखो जी तुसी बसां कारां मोटरां मोटरसाइकलां ते बैंदे हो ए वी ते नवा काम है। कुरान पाक सूरा अन-नहल रब्बुल आलमीन फरमांदे ने वल खैल वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते ने, हुन तवज्जो फरमाते ना अंड ते यार थोड़ा जा साफ कर दे बाद मेरे ते कान ही रह चले ने शोर ना आई कोशिश को सारी बंद कर खाली स्पीकर चला यार तमाम बरीक का शुक्र है यार अल्लाह को सुकून होया। हाँ जरा तवज्जो फरमाते ना आगे तवज्जो ला हुण मेरी तकलीफ मुड्डो शुडो शुरू हुई जे सलफी साहब पहला टाइम तुहाडे खाते लो बात ना तवज्जो फरमा देना जे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा देने वल खैला वल बेगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीनतन व यखलुकु मा ला तअलमून। फरमाया घोड़े ते खच्चर ते गधे अल्लाह ने तुहाडी सवारी वास्ते पैदा कीते ने ते तुहाडी इज्जत ते सीनत ने और कई सवारियां अल्लाह ओ पैदा करेगा जिहड़ियां तुसी जानदे ही नहीं। जदों यह आयत करीमा नाज़िल होई है उस वेले मेरे पैगंबर ते नबी पाक दे सहाबा साइकिल नूं नहीं संजाम दे के साइकिल की है, मोटरसाइकिल नूं नहीं जाम दे, कार ते बट रक नूं नहीं जाम दे। अल्लाह जिहड़ियां नवियां नवियां सवारियां आनगियां करना की है। फरमाया ले तरकबूहा उन्होंने तुसा सवार होना सवार हजरात होने थे सवाल पैदा होंगे हजरत जी कई लोगों ने कह देना यह भी नवा काम है और तुम उन्होंने कह देना नवा नहीं ये दीन दे अंदर नहीं ये बाहर वट बनने ते वे सवारी दीन दे अंदर नवा काम ओ को हाँ हूँ कर छो मैनू भी पता लगे तुम समझ आओ यही कह दो नहीं आती समझ सवाल का जवाब तो जुमे देना चाहिए तुम तो फिर जलसे बैठे हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरात और बात ना तवज्जो फरमाते ना जे तवज्जो दीन दे अंदर नवा काम नहीं बिदत होवे जो दीन दे अंदर नवा काम कीता जाए। अच्छा मौलाना साहब ते दसो ना चलो मस्जिद ते दीन विच है वे हाँ जी है वे अच्छा फिर दसो मस्जिद बनाई नबी पाक ने हजरत ने ओदा मीनार ने ओदा मेहराब नहीं बनाया ते तुसी मेहराब बनाते हो ये नवा काम है ना हजरात नवा नहीं बिदत केड़ी है। मन अहदस फी अमरना हादा मा लैसा मिनहु फहुव रद्द बिदत होवे जो दीन दे अंदर ऐसा काम कीता जावे जो पहला तो साबित नहीं है कुरान तो साबित नहीं हदीस तो साबित नहीं है मेहराब ते कुरान तो साबित है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बुढ़े वारे अल्लाह तो पुत्र मंगते रहे एक दिन फरिश्ते आए ने फनादत हुल मलाइका तो वहुवा काइम युसल्ली फिल मेहराब। फरिश्ते बेटे की बशारत देन आए उस वेले ज़करिया नबी किथे सन मेहराब वे खड़े नमाज पढ़ रहे सन। मेहराब मेहराब कुरान जिक्र आया यह बिदत कि जनाबे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खलीफा राशद ने और खलीफा राशद की कोई बात इन्हों का अमल जड़ा सही हदीस के खिलाफ ना आवे शरीयत के अंदर हुज्जत हुंदा दलील हुंदा है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर कई मसना बनवाइया ने मसना दे मेहराब बनाए किस तरीके नाल बनाए आ देखो मेहराब के अंदर इमाम खतीब खड़ा होया इन्होंने ए दीवार बड़ी बन ए दीवार जड़ी मेहराब दी बनाई अगों आके थोड़ी टेढ़ी कर दी थी और एदे नाल छोटी मेहराबी बना दी थी। खतीब बोले ते ओदी आवाज दीवार न टकरा के वापस गई मेहराबी दी अंदर घूम के बाहर आई उस वक्त लाउड स्पीकर दा और मेहराबिया ने काम दिता तू तो एक कहन दिया थे दो दो तीन तीन बन रही है। खलीफा राशिद दा अमल बिदत हुंदा है। हजराम मेहराब बिदत नहीं, लोगों को मिसगाड़ किया जा रहा, पता इन्हों है बिदत नहीं है। रहा मसला वेखो जी, मीनार नबी पाक ने नहीं बनाया, तुम बनाते हो। सही मुस्लिम ते मुस्नद अहमद दी हदीस, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कुर्बे क़यामत हजरत ईसा पैगंबर का नसूल होएगा। किथे होएगा? बैतुल मुक़द्दस ते मशरक़ी सफेद मीनार ते होएगा। ते जे बिदत हजरत ईसा ने बिदत उतरना, जे बिदत होंदा ते नबी पाक दा तस्करा कर दे, वजाहत ना कर देंदे कि मीनार बिदत है। अल्लाहु अकबर। हजरात मेरिया दोस्तां ते वीरां, ये सारिया बातें तुहानू मिसगाइड करने वास्ते कीतियां जांदियां ने, वगरना पता उन्होंने भी है वे, उन्होंने भी इलम है, उन्होंने भी पता है कि दीन दे अंदर जो नवा काम है वह बिदत है, जो दीन तो बाहर दुनियादारी है वह बिदत नहीं है। दुनियादारी अंदर नवा नवा कोई चीज़ आवे कम आए, वह जनाब अपना लवो तो फायदा उठाओ, लेकिन दीन दे अंदर कोई नवा काम नहीं करना। बात गौर कर दे डाले, क्यों? शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिल बिदा व कुल्ल बिदअतिल ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिल फिन्नार। हज़रात बात तवज्जो फरमांदे डाले। पहला मैं दसिया बिदत दे नुकसान, फिर मैं तुहानू दसीए बिदत की पहचान, फिर मैं तुहानू दसिया कि जिहड़े लोग मिसगाइड करदे ने ए तरीके नाल करदे ने, लिहाजा इन्हां दे आखे ला के मिसगाइड ना होना। हज़रात दीन दे अंदर कोई नवा काम नहीं करना, दीन दे अंदर कोई नवा काम नहीं करना। क्यों? मेरे पैगंबर ने बार बार इत्थे वजाहत कर दी है। वेखो हुण गौर करदे ना आजे, इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का अच्छा शहर है, रावलपिंडी लाहौर कराची मारूफ शहर ने, लेकिन पूरी दुनिया के सारे शहरों नालों सब तो आला ते शान वाला मक्का मुकर्रम है। ओदे तो बाद पूरी दुनिया के शहरों नालों शान वाला शहर ते मदीना मुनव्वरा है। मदीने के अंदर भी अगर कोई बिदत करेगा, दीन में नवा काम करेगा, मदीने के अंदर नबी पाक फरमाते ने ओदा कोई नफल ते फर्ज अमल कबूल नहीं किया जाएगा। दीन में नवा काम। प्यारे हो, गौर करो, इतना शान वाला शहर, उथे भी किसी बिदत की नाले लानत बरसेगी, अमल गैर मकबूल हो जाएगा, ते क़यामत नूं बित्तियां नूं की नुकसान होएगा। सही मुस्लिम दी हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, फरमाया मैं हौजे कोसर ते पानी पिलांदा होवांगा, मेरे उम्मती जिन्ना दे वुजू वाले आदा चमकदे होंगे, ये निशानी होएगी, मैं इन्हों पहचान पहचान के पानी पिलावांगा। टोलियां दे टोले आएंगे, फरमांदे ने एक टोला आएगा वुजू वाले आदा चमकदे होंगे, मेरी उम्मत दी पहचान उन्हां विच पाई जाएगी। जदों मेरे करीब मेरे वल आएंगे, मेरे ते उन्हां दे दरम्यान रुकावट खड़ी कर दी जाएगी। आया एक टोला चंद नौरानी ने मोमिना वाली पायो, पूरी निशानी ने पीछा हटाया, अगो मलक गेरामी ने कुदरत थी मौला विच कंध टेकाइया, चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नो आइया, चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नो आइया। आका फरमान गए आन दियो, मेरे ने उम्मती वाले पहचान इना दे, उम्मतियां वाली आलामता ने। फरिश्ते कहनगे ए नहीं उम्मत तेरी सरवर पे आ रहा, बाग रसूला तेरा इना उजाड़िया, दीन विर कड बिदता दीन बिगाड़िया, साहिर ने मादा पढ़ दे अंदर गुमराहिया, चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नो आइया। प्यारे हो, और मेरे वीरो वीरो बुजुर्गो दोस्तो अल्लाह दी कसम दीन दे अंदर कुल्ला दा खत्म 10वें दा 40वें दा उरस मेला सालाना खत्म इसी तरह शबरात वगैरह ये सारिया चीज़ां दीन दे अंदर नवियां ने जश्न मेला दीन में नवें ते तुहाडी मेहरबानी जे कितों कोई यदि दलील लभ जाए मुरवजा तरीके नाल कुल्ला दा खत्म 10वें दा 40वें दा ते जे शरीयत चो को दलील लभ जाए ना सही समझ नाल मैनू दे दिया जे मैं अपनी गड्डी नाम दे देंगा क्यों मैं महीने में 2 गड्डियां कमा लैनियां ने खत्म दे कमाई बड़ी हुंदी जलसे वाले ने ते किथे देंदे जिन्हें उठो लभ देने ते तुहाडी मेहरबानी मैंने दंद भी है ने मैं भी कुल्लां दे छोले चप लैना फुलियां भी खा लैना मैं सवेरे जनाब सोशल मीडिया ते ऐलान करना नवाज चीमे तो कुल्ला दा खत्म दुआओ 10वें दा पर दलील होवे हाँ तू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन दलील मनन त्यारा जे दलील नहीं फिर क्यामत दी रुसवाई तो बच जाओ मेहनत भी करनी जे पैसा भी लाना जे ते फिर जहन्नम दी आग कमानी जे अल्लाह वास्ते हमदर्दी असी तुहाडी कर रहे हैं खैर खाई कर रहे हैं दीन विच हर नवे कम तो बचो इमाम मालिक रहमहुल्ला फरमांदे ने दीन वे नवा वह कम करता है जिन्हों पैगंबर ते एतबार ना होवे कि आ कम चंगा सी नबी पाक ने किया चल मैं करना नबी तो एतबार ना चुक लो बेड़ा गर्क हो जाएगा जे ये कहो जिन्ना अल्लाह तो नबी ने दीन भेजे है उही मुकम्मल है उही बस है उही बड़ा सानू अल्लाह अमल की तौफीक दे आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।